सो हे मेरे नायकों, कैसे हो? मैं नहीं बताऊंगा। ओके, मत बताओ, लेकिन इस वीडियो को यार पूरा जरूर से देखना। ठीक है। तो आज को मैं तुम लोगों को इंस्टाग्राम का खलनायक बनाने एंड इस वीडियो में आप लोगों को जो बताऊंगा ना 10 ऐसे ट्रिक जिसका यूज करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा फील होगा। कभी कभी लगता है कि पुलिस भगवान है। तो आराम से बैठ जाओ यार और वीडियो को पूरा देखो। बैठना किधर है, कुर्सी किधर है भाई? अरे भाई, अब ये भी मैं ही बताऊं, कहीं भी बैठ जाओ यार। ठीक है, ज्यादा ताव मत खाओ यार, पंखा चला, बहुत गर्मी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं फर्स्ट ट्रिक के बारे में। तो इंस्टाग्राम में कभी कभी हम लोग को ऐसा पोस्ट कर देते हैं जिसको हम लोग को बाद में ऐसा लगता है कि उसको हाइड करना चाहिए, मतलब डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन हम लोग फिर ये भी चाहते हैं कि यार डिलीट नहीं करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, आप इस पोस्ट को अर्काइव अर्चीव। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हाँ भाई, अर्काइव लगता है, सही में मुंह पे सुपारी चला गया था। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है कि सिंपली सबसे पहले तो जिस पोस्ट को वहां से हटाना है उस पोस्ट को ओपन करो एंड ऊपर 3 डॉट पे जाओ एंड नीचे आप लोग को अर्काइव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना एंड बस हो गया, आप लोग का वहां से जो है पोस्ट प्रोफाइल से हाइड हो जाएगा। लेकिन यार कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों को मन करेगा कि जो पोस्ट मैंने आर्काइव किया उसको फिर मैं देखूं कैसे, तो इसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग अपने प्रोफाइल पे चले जाना है एंड वहां पर जाने के बाद आप लोगों को 3 लाइंस पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को एक आर्काइव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है एंड देन यहां पर आप लोगों को ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, लेकिन वहां पर ऐसा आप लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसा लगा मेरा मजाक। 3 डॉट पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, बैक कर देना। तो आप लोग को ऊपर स्टोरी अर्काइव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है एंड उसका नीचे ऑप्शन 3 आप लोग देखने को मिलेंगे, उसमें पोस्ट अर्काइव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। उसका आप लोगों को जितने ही पोस्ट डिलीट किए होंगे वो सामने दिख जाएंगे, उसको जिसको भी आप लोग अनहाइड करना चाहते हो उस पर क्लिक करो एंड देन उसका 3 डॉट पे क्लिक करो एंड यहाँ पर से शो ऑन प्रोफाइल का ऑप्शन पे क्लिक कर दो। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर मैं अपने प्रोफाइल पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पर जो मेरा फोटो अर्काइव हुआ था वो शो होने लगा है। तो अब बात करते हैं सेकंड ट्रिक की। तो कभी ऐसा होता है कि किसी का मैसेज तो हम लोग को आता है एंड हम लोग उसको रीड करना होता है, बट ये भी करना होता है कि सामने वाले को सीन का पता ना चले, उसको ना पता चले कि हम लोगों ने उस मैसेज को रीड कर लिया है। तो यार इसका भी ट्रिक है मेरे पास, बड़ा हरामी हो। तो इस ट्रिक का यूज करने के लिए गाइस आप लोगों को सबसे पहले जिसका भी मैसेज देखना है उसका जो है आप लोगों को नेम पता होना चाहिए, यूजर नेम, एंड उसको आप लोग सिंपली से सर्च करो। सर्च करने के बाद उसके अकाउंट पे जाओ एंड यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके रेस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो, ये वाला अकाउंट जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। डोंट वरी, रेस्ट्रिक्ट करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग को मैसेज वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर जो एक रिक्वेस्ट वाला जो ऑप्शन दिखता है ना सेक्शन, उस पे चले जाना है। वहां पर आप लोग को उसी इंसान का मैसेज जो है एज ए रिक्वेस्ट टाइप में दिख जाएगा एंड वहां पर आप लोग को एक्सेप्ट वगैरह करने का ऑप्शन दिखेगा। तो मैसेज वहां से अगर आप लोग देख लेते हो ना तो उसको पता नहीं चलता, तो हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। आप लोगों का समाधान ही हमारा सुख है, हमारा ये लक्ष्य है कि आपका सफर एकदम स्मूथ हो जैसे मुंह में मक्खन। अब मक्खन में मक्खी ना लग जाए, इससे पहले ट्रिक का दूसरा फायदा भी सुन लो। अगर आप लोग चाहते हो कि वो लोग जो है कमेंट करते हैं ऐसे वैसे करते रहते हैं कमेंट, मतलब कमेंट सेक्शन में है ना कोई भी पोस्ट में, तो वहां पर जब वो लोग कमेंट करेंगे ना रेस्ट्रिक्ट करने के बाद तो वो कमेंट उनको तो शो होगा लेकिन बाकी किसी को शो नहीं होने वाला है एंड आपको भी शो होगा, वहां पर अप्रूव का ऑप्शन आ जाएगा एंड अगर आप लोग अप्रूव करते हो तब पब्लिक को किसी को भी दिखेगा। तो भाई अगला जो ट्रिक है ना उस का यूज करने के बाद आप लोग ना चौड़ में घूमोगे कुछ इस तरीके से। तो यहां पर देखो मुझे कितने सेलिब्रिटीज के मैसेज आए हुए हैं। असंभव, असंभव, सब संभव है भाई। देखो ये रियल तो नहीं है बट हाँ दिखता ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे ही है। तो चलो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि जिस भी सेलिब्रिटी का आप लोगों को मैसेज चाहिए तो पहले तो उसके प्रोफाइल में चले जाओ एंड वहां पर उनको मैसेज करो और मैसेज कुछ ऐसा करना है ना कि ऐसा लगे कि सामने वाले ने वो मैसेज किया है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर माही सर को मैसेज कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैंने देखो ये लिखा, तो ये ऐसा लग रहा है कि माही सर ने मुझे लिखा है। ठीक है, तो मैंने इसको सेंड कर दिया। अब सेंड करने के बाद आप लोगों वापस से मैसेज वाले सेक्शन पे आ जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद वो वाला प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद उसको कर देना है मार्क एज अनरीड। अब ऐसा जैसे ही करोगे तो वहां पर वो वाला जो है मार्क एज अनरीड हो जाएगा एंड दिखने में ऐसा लगेगा ना कि सामने वाले ने मैसेज किया है एंड इसको आप लोग किसी को भी दिखा सकते हो और बस चौड़ में घूम सकते हो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अरे थैंक यू मोदी जी। ओके भाई लोग, नेक्स्ट ट्रिक। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले तो क्या करेंगे, जानबूझ के या फिर गलती से पोस्ट को डिलीट कर देंगे एंड कुछ देर बाद सोचेंगे कि भाई ये वाला जो मैंने डिलीट किया था इसको वापस कैसे लाऊं, रिस्टोर कैसे करूं एंड उसका ढूंढने लग जाते हैं इंटरनेट सॉल्यूशन। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन भाई मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले तो गाइस मैं अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाके आप लोगों को दिखाता हूँ एक ये वाला पोस्ट डिलीट करके एंड जैसे मैंने पोस्ट डिलीट किया तो ये यहाँ से हट चुका है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट पे जाते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे जब आप लोग जाओगे ना तो वहां पर आप लोग को एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा रिसेंटली डिलीटेड का, थोड़ा नीचे है वहां पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ने जो भी पोस्ट डिलीट किया था वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उस पोस्ट पे सिंपली से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड
एंड देन यहाँ पर रिस्टोर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। एंड देन इसके बाद फिर से रिस्टोर पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस ये वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों से देखो यहाँ पर जो है मांगेगा कि एक कोड आने वाला है, सिक्योरिटी कोड OTP टाइप, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर वगैरह जो भी सिलेक्ट करना है मैं कर देता हूँ, उसका नेक्स्ट कर देता हूँ एंड मुझे उस OTP को फिल करके कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद फिर से आप लोगों को यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड फिर से रिस्टोर पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर दोबारा से रिस्टोर का और एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसका देख सकते हो यहाँ पर अपडेटिंग हो रहा है एंड थोड़ा सा ये टाइम लगाता है, हल्का 4-5 सेकंड 6 सेकंड का। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो व्यू ऑन प्रोफाइल का ऑप्शन आ चुका है एंड यहाँ पर अभी देखो ये वाला जो पोस्ट है मेरा वापस आ चुका है एंड यहाँ पर देखो जितने लाइक्स वगैरह थे सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। एंड इसका एक और खास बात है गाइस कि यहाँ पर आप लोग IGTV वीडियो, रील्स, जो भी चीजें डिलीट करते हो ना वो सारी चीजों को आप लोग रिकवर कर सकते हो। आई थिंक ये 30 डे का टाइम देता है हम लोग को रिकवर करने के लिए। तो गाइस अब बात करते हैं 5th ट्रिक के बारे में। तो काफी सारे लोग हम लोग चाहते हैं कि अपनी स्टोरी में हम लोग मल्टीपल पिक्स को ऐड कर सकें एंड कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम ने ये अपडेट भी दिया था। एक ऑप्शन वहां पर देखने को मिलता था स्टोरी में जाके, ठीक है, स्टिकर्स में जाके, बट अभी मुझे वो ऑप्शन देखने को ही नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों को वो ऑप्शन दिख रहा है तब तो आप लोग मल्टीपल फोटो लगा सकते हो एंड अगर नहीं दिख रहा है तो अभी मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसको जरूर से यूज करना एंड अगर इस ट्रिक का यूज कर डाला तो लाइक जिंगल आला। अरे भाई झूठ क्यों बोलूंगा, अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये वाला कीबोर्ड डाउनलोड कर लेना जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है एंड इसको सेटिंग्स वगैरह करके इसको डिफॉल्ट कीबोर्ड पे सेट कर देना। उसके बाद स्टोरी सेट करने के लिए आ जाना एंड यहाँ पर मैं एक फोटो वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये वाला फोटो सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर देखो टेक्स्ट का जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है लाइक कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड ही आप लोगों का ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक इमोजी वाला आइकन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना एंड देन एक पिन का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो कैमरा का आइकन देखने को मिलेगा उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर देखो आप लोगों को काफी सारे जो भी गैलरी में इमेजेस होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने देखो एक इमेज सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर देखो सेंड का आइकन है, इस पर मैंने क्लिक किया एंड देखो ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। एंड उसके बाद और भी अगर सेलेक्ट करना है तो फिर से मैंने वही सेम प्रोसेस को अपनाया एंड देखो यहाँ पर मैं कैमरा वाले आइकन पर क्लिक कर दे रहा हूँ एंड देन फिर से मैं एक यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करता हूँ एंड सेंड वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला आ चुका है एंड ये माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड का वहाँ पे भी दिखने के लिए लग जाता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है मल्टीपल इमेजेस को यहाँ पर सेट कर सकते हो। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई। लेकिन आप लोग यार मेरे लिए कोई मस्त काम नहीं कर रहे हो, चैनल को कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, आप पढ़े लिखे हैं कि क्या है? प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो भाई अगर इंटरनेट के दृष्टिकोण से आप लोग भी गरीब हो। मैं गरीब हूँ। हाँ हाँ पता है, उसे गरीब नहीं कंजूस कहते हैं। तो इस ट्रिक की हेल्प से जब आप लोग इंस्टाग्राम को यूज करोगे तो इंस्टाग्राम आप लोग का डाटा बचा देगा, सेव कर देगा, ज्यादा MB वगैरह जो है खत्म नहीं होने वाले हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले आप लोग अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पर चले जाना है एंड देन यहाँ पर आप लोग को 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट का, उस पर चले जाना है। उसका सेलुलर डेटा यूज का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर देखो डाटा सेवर का ऑप्शन आ रहा है, इसको इनेबल कर देना है। अब इसको इनेबल करने से क्या होगा गाइस, जब भी कभी कोई वीडियो आप लोग को नेक्स्ट पोस्ट में आने वाला रहेगा तो वो उसको लो रिजोल्यूशन में दिखाएगा, ठीक है, हाई रिजोल्यूशन में नहीं दिखाएगा, जिसमें कि अगर आप लोगों के पास कम डाटा है तो वो और भी ज्यादा सेव होगा, ज्यादा डाटा खत्म नहीं होने वाला है। स्मार्ट गाय। तो अब आते हैं अब तक के सबसे खतरनाक ट्रिक पे, जिसको देखकर आप लोग यही कहोगे। तो चलो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गाइस देखो क्या किया है कि मैंने ये जो मैसेजेस किए हैं ये काफी अच्छे से एनिमेट हो रहे हैं एंड यहाँ पर देख सकते हो टैग बर्नर वगैरह जो लिखा हुआ है इसमें आग जल रहा है। नीचे वाले जो एप्लीकेशन मैसेज है उसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हार्ट टाइप का एनिमेशन आ रहा है एंड उसके नीचे जो है ये एक सीक्रेट मैसेज है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो कितने स्टाइलिश तरीके से ये एनिमेट हुआ है एंड इसके अंदर जो भी लिखा हुआ था वो शो हो गया। हाँ हाँ ज्यादा उछलो मत, ट्रिक का यूज करना तो सीख लो यार। ये वाला ट्रिक का यूज करने के लिए आप लोग को एक बलिदान देना होगा, मतलब हाँ यार एक चीज खोना पड़ेगा। तो अगर आप लोग का अकाउंट प्रोफेशनल या फिर बिजनेस अकाउंट है तो उसको आप लोग को पर्सनल अकाउंट में चेंज करना होगा, तभी ये वाला जो है फीचर, ये वाला ट्रिक आप लोगों का काम करने वाला है। तो देखो उसको कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद आप लोग को मैसेज सेक्शन पे चले जाना है एंड जो भी मैसेज आप लोग यहाँ पर टाइप करोगे उसके बाद आप लोग को बगल में एक सर्च का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर जितने भी एनिमेटेड फीचर्स है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आप लोग, जैसे मैं बर्नर वाला सेलेक्ट करता हूँ तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का आ चुका है और ये देख सकते हो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और दूसरी बात कि फिर से अगर मैं कुछ लिखता हूँ एंड ये वाला जो एक और है आ रहा है, ये थोड़ा सा सीक्रेट टाइप का है, इस पे अगर क्लिक करके सेंड करोगे ना तो सामने वाले को भी कुछ इस तरीके का जाएगा एंड वो इस पे जब क्लिक करेगा तो फिर ये वाला हट जाएगा एंड वो जो है सीक्रेट मैसेज उसे दिख जाएगा। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया फीचर है। तो गाइस इंस्टाग्राम ने कुछ दिन पहले ही एक न्यू फीचर अपडेट किया था जिसमें कि जिसके कम लाइक्स आते हैं वो अपने लाइक्स को हाइड कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कितने भी लाइक्स आए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो आप लोग अपने लाइक्स
उसको हाइड कर सकते हो। तो जिस भी पोस्ट का आप लोग को लाइक हाइड करना है उसको पहले ओपन करो, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करो एंड वहां पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हाइड लाइक्स का, उस पर क्लिक करो। तो देखो यहाँ पर लाइक्स हाइड हो चुके हैं, लेकिन यार ऐसा नहीं है कि लाइक्स हाइड हो गया तो मतलब कोई देख नहीं सकता। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, लाइक्स तो हाइड हो गया लेकिन जिसने जिसने लाइक किया होगा वो कोई भी देख सकता है। तो इसके लिए यार थोड़ा सा सह लेना। सह लेंगे थोड़ा सा। अरे अगला जो ट्रिक है उसका यूज करके आप लोग किसी के भी सामने शो ऑफ कर सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? देखो मैं समझाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने चैट में मैसेजेस भेजे हैं उनका फॉन्ट चेंज है, यानी कि मैंने इंस्टाग्राम के चैट फॉन्ट को चेंज किया है। मैं नहीं मानता। अरे कैसे नहीं मानोगे, अभी करके दिखाऊंगा तो मान जाओगे। पहले तो आप लोग को फॉन्ट यहाँ पर इंस्टाग्राम पे तो नहीं मिलेगा, आप लोग को चले जाना है गूगल पे एंड वहाँ पर सर्च करना है स्टाइलिश टेक्स्ट। लिखने के बाद जो भी वेबसाइट आता है वहाँ पर क्लिक कर दो, जो भी टेक्स्ट आप लोग को लिखना है उसको वहाँ पर लिख दो एंड उसके बाद आप लोग को काफी सारे ऑप्शन टेक्स्ट के देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप लोग को पसंद आता है उसको कॉपी करो एंड जाके मैसेज में पेस्ट कर दो। सेम चीज आप लोग किसी ऐप को डाउनलोड करके भी कर सकते हो, वो भी थोड़ा सा ज्यादा इजी होगा आई थिंक आप लोग के लिए। एंड अगर आप लोग ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो भाई गूगल की हेल्प से कर लो। अब गाइस अपने लास्ट के बारे में बात करते हैं, ये भी आप लोगों को काफी ज्यादा काम आने वाला है। जब भी हम लोग कोई पोस्ट करते हैं तो वहां पर हम लोग को हैशटैग्स का कमी पड़ जाता है कि कौन सा हैशटैग डालें, कौन से पे ज्यादा रीच है, किस पे कम रीच है। तो आप लोग को ये सर्च करने की, ये सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपली से क्या करना है कि आप लोग का पोस्ट जिस भी चीज से रिलेटेड है, जैसे मेरा टैग से रिलेटेड है, ठीक है, तो मुझे जाना है गूगल पे एंड वहां पर सर्च करना है हैशटैग स्टैग एंड उसके बाद जो वेबसाइट आएगा उस पे चले जाना है एंड यहां पर उस वाले जो मेरा टैग फील्ड है तो मैंने वहां पर टैग लिख के सर्च किया एंड देख सकते हो कितने सारे यहां पर हैशटैग्स आ चुके हैं एंड सारे का जो है ना रीच भी दिख रहा है कि कितना कितना मिलियन, कितने लाख का रीच है। तो आप लोग सेलेक्ट करके नीचे कॉपी का आइकन दिया हुआ रहता है उसको कॉपी कर सकते हो एंड उसके बाद आप लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ फील्ड लिखो, अब जैसे फोटोग्राफी है तो आप लोग फोटोग्राफी लिख सकते हो, आप लोग मोबाइल है तो मोबाइल सिर्फ लिख सकते हो, वहां पर आ जाएगा। हां भाई कैसी लगी? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ भाई हाँ, अब थोड़ा सांस लो और जाके सारे ट्रिक्स को एक एक करके ट्राई करो, क्या पता मैंने तुम लोगों के साथ प्रैंक कर दिया। प्रैंक। तो यार बस आज का क्रियाक्रम यही खत्म करते हैं। अरे यार जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो और हाँ वीडियो अगर पसंद आया ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पर भी सारी को रिप्लाई दे देता हूं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।